एसएसपी कार्यालय पहुंचे इस शख्स का नाम पूरण शर्मा है और पूरण शर्मा के साथ बुधन 12 के दर्जनों से अधिक आज ग्रामीण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां शिकायतकर्ता पूरण शर्मा ने बताया कि गांव नगला नेता में कल योगेश चौधरी वर्तमान प्रधान के भतीजे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला था, जिसके बाद वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान राम भरोसी सहित कई लोगों को हत्या के फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास किया है और जिसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके परिवार को हत्या के मामले में बेवजह फंसाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर को सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन शर्मा, ग्राम बदाल से आया हूँ साहब, एसएसपी ऑफिस पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे चाचा राम भरोसी प्रधान शर्मा, उनको गलत मर्डर में फंसा दिया गया है। नेता नगरा में मर्डर हुआ है, नेता नगरा में और बदाल में, ग्राम पंचायत एक ही है लेकिन अंतर 4 किलो 5 किलोमीटर का है। नेता नगरा दूर है हमारे गांव से और मर्डर में फंसा दिया गया है हमारे आदमियों को। पुरानी चुनावी रंजिश बना रहे हैं इसको और चुनाव योगेश चौधरी लड़ो वो जीत गो साहब, भाई के चाचा को लड़का को मर्डर भयो है, लाश जंगल में पाई गई है और चौधरी ने आरोप हमारे ऊपर लगा दिए और हम गलत फंसाए जा रहे हैं, निर्दोष फंसाए जा रहे हैं साहब। सबरो गांव हमारे संग खड़े हो, ये 10-20-50 आदमी यहाँ आए भए हैं, एसएसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं और सभी प्रशासन शासन से सभी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, अन्याय नहीं किया जाए। अब और वो जो प्रधान भए हैं वर्तमान में योगेश चौधरी, वो साहब दबंग आदमी हैं, चौधरी हैं साहब, 3-4 भाई हैं और वैसे भी दबंग पार्टी है, पहले से पैसे वाले हैं वो और हमारे ऊपर इल्जाम लगा दे रहे हैं और पुलिस जाए उनको गिरफ्तार करके लाए, जब खुलासा हुए कि क्या मैटर है क्या नहीं है उनको भी तो पकड़ के लाओ, जब भी तो खुलासा होगी साहब। हमारा गांव पंडितों का गांव है, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा? हम ब्राह्मण हैं, वो चौधरी हैं, हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनसे, कभी भी हमारी लड़ाई नहीं हुई है। हमारा और खेत का भी उनका बहुत दूरी है, गाँव की भी दूरी है, हर चीज़ से दूर हैं साहब। हम पे तो साहब दबंग गई थे, आरोप धरे जा रहे हैं, हमारे आदमी पुलिस पकड़ लाई है, कल से हमारे आदमियों को गिरफ्तार कर रखा है पुलिस ने और उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उनको लाइए, घरवालों को, घरवालों से पूछिए क्या है क्या नहीं है। अब साहब रंजिश में नाम लिखाया जा रहा है। एसएसपी साहब ने ये कहा है कि जाँच सही की जाएगी, गलत नहीं की जाएगी। अब साहब सभी ऐसे ही कह रहे हैं, अभी तक तो कुछ हमारे लिए निर्णय करो साहब, अन्याय मत करो। आपके भाई को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है साहब, हमारे चाचा जी उनको भी नहीं छोड़ा है, भाई को भी नहीं छोड़ा है। हमारे चार पांच आदमी गिरफ्तार कर रखे हैं, 24 घंटे हो गए साहब, कल के गिरफ्तार किए हैं और घर से पुलिस लाई है उनको, घर खाना खा रहे थे वो, घर से पुलिस लाई है। अगर हम मर्डर करते या कोई लड़ाई बाजती, ये साहब जंगल में लाश पाई गई है, नेता नगरा के खेतन में, बिनके खेते साहब, बिनके खेतन में लाश पाई। जाँच हो इसकी, अच्छे से जांच हो इसकी, ईमानदारी से जांच हो। और हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम ऐसे आदमी नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं कि हम किसी की हत्या करें, हम किसी को मारें, हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है।